ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये परमात्मा का जो प्यार है वो जब दुनिया प्यार करती है तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम किसी को अपनी मुसीबत में सहयोगी नहीं पाते हैं तब हम उसे याद करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। लेकिन फिर भी वो पिता होने की वजह से उस समय भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो जब हम उन्हें बुलाते हैं तो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर दुनिया से तुलना करें तो दुनिया वाले कहेंगे कि जब तुम्हें काम पड़ा तब तुम आ गए, वैसे तो तुम हमसे बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं। लेकिन परमात्मा कभी ये शब्द नहीं कहते, और हर आत्मा उन्हें जब परेशानी में होती है तभी याद करती है, और जैसे ही परेशानी ख़त्म हुई तो भूल जाते हैं। इस पर बड़ी सुंदर एक कहानी भी है। एक व्यक्ति था, शेर आ गया तो वो पेड़ पे चढ़ने लगा। वो पेड़ था ताड़ का, और चढ़ते चढ़ते ऊपर तक चढ़ गया डर की वजह से। अब जब उसने वहाँ से नीचे देखा तो वह भी धोने लगा, अब मैं उतरूँ कैसे। फिर उसने कहा, भगवान जी हमको कैसे भी नीचे उतार दो, 5000 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। थोड़ा सा पैर उसने नीचे बढ़ाए, नीचे आया। फिर उसने सोचा कि 5000 बहुत ज़्यादा बोल दिए, ये तो 3000 में ही काम चल जाएगा। फिर थोड़ा नीचे आया। फिर उसने सोचा कि 3000 भी ज़्यादा लग रहे हैं, 2000 ठीक हैं। फिर और थोड़ा नीचे आया तो उसने कहा, 1000 में तो मैं तो उतर ही रहा हूँ, 1000 ठीक हैं। फिर बोला 500 ठीक हैं। फिर बोला 100 में ही काम चल जाता। फिर नीचे बिल्कुल उतर आया तो कहता, अब क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि हम परमात्मा को उस समय याद करते हैं जब हमें इधर उधर कोई नज़र नहीं आता, और ये स्वार्थी नेचर होने की वजह से ही आज हम सब आत्माओं का आप दुनिया में नज़र उठा के देखो, हर कोई अपने में परेशान है, दुखी है, और सुखी वही है जो परमात्मा के निकट है। क्योंकि जो परमात्मा के निकट होता है वो अंदर से फुलफिल होता है, उसे भौतिकता की कोई भी वस्तुओं की चाहना नहीं रहती। और जब भौतिकता की वस्तुओं की चाहना नहीं रहती तो वो तो सुखी है ही है।